पहले हमारे यहाँ लाइटें नहीं थी, बहुत दिक्कत होता था। लाइट आती थी तो बहुत लेट लेट चली जाती थी, हमको बहुत प्रॉब्लम होता था। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, हमको खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। और शाम होते ही सबके घर बंद हो जाते थे, यहाँ डर लगता था, पर अब ऐसा नहीं है। Hi, I'm Praveer Sinha. I'm the CEO and Managing Director of Tata Power Delhi Distribution. I want to share with you some of the work that we do with our communities through the special consumer group. Basically, we have nearly 1,70,000 consumers in these areas, and nearly 10 lakh people stay over there. This is a fairly large concentration of people staying in the 223 slums or JJ clusters, Jhuggi Jhopri clusters that we have. Over a period of time, what we have seen that it's not just question of delivering supply of electricity, but also integrating them with the social system. How do we integrate them as an extended family of Tata Power Delhi Distribution in terms of valued customers and consumers? And we have been working very closely, not only with the consumers, but mainly with the women over there. And that's why the program that we run about the women empowerment is a very, very powerful program. मेरा नाम राधेश्याम घनघोर है। मैं C4 झुग्गी क्लस्टर का प्रधान हूँ। और जब ये आर ओ प्लांट नहीं लगा था, इससे पहले हमारे झुग्गी वासियों को कई परेशानियाँ थी, कुछ पानी की कमी थी, पानी भी इतना साफ नहीं मिलता था। अब हमको बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, इसके लगने से पानी भी साफ मिलता है, लोग बीमार भी कम पड़ते हैं और इसकी कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है। 1 रुपये रोज का खर्चा है, मामूली सा खर्चा आता है इसका। इसके लिए हमको कार्ड दिए गए हैं, इसके ऊपर एक कार्ड लगाते हैं और कार्ड लगाते ही पानी शुरू हो जाता है। 10 लीटर पानी में चाहे तो वो 2 बार में ले जाए, सुबह 5 लीटर और 5 लीटर शाम को, और वो चाहे तो इकट्ठा एक साथ ही 10 लीटर ले सकते हैं। मेरा नाम भगवान शाह है, मैं जखीरा चारा मंडी में रहता हूँ, जो कि मैं हर महीने बिल भरने के लिए शास्त्री नगर और इंदरपुरी जाता था। उससे पहले मुझे बहुत समय की दिक्कत होती थी और उससे परेशानी होती थी, और टाटा पावर का मैं एक आभारी हूँ कि हर महीने वैन आती है और मेरे दरवाजे से बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है कि हम यहाँ पर बिल जमा करके पे कर देते हैं और उससे जो है समय की बचत होता है, और मैं ये समय में दूसरे कामों धंधे पर लगा लेता हूँ। और इससे जो है कि अब ये योजना बनी है कि बिल भरो इनाम पाओ, इससे जो हर आदमी खुशी खुशी यहीं से बिल जमा कर देते हैं और उनको जो है पर्ची एक डाली जाती है बॉक्स में और छोटे बच्चों के साथ इनाम मिलता है, उससे जो है हम लोग भी खुश हैं और टाटा पावर में बहुत आभारी हूँ। चुकी है जी।
जिस किसी को किस हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो अपना बिजली का बिल लेकर आए और मुफ्त में इलाज कराए। धन्यवाद। आज के ज़माने में महिलाओं को कमाना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे अच्छा साधन है सिलाई। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ पे आके हमारी रीटा मैम ने मुझे सिलाई सिखाई, जिससे मुझे सिलाई सीखने में आसानी हुई। मैं सातवीं पास हूँ और घर पे मुझे कोई जॉब नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने सिलाई सीखी और सिलाई सीखने के बाद आज मैं 2 से 2500 तक कमा लेती हूँ। इससे मेरी फैमिली की हेल्प भी हो जाती है और मैं भी अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हूँ। I would like to share my thoughts on a great innovation work which we did in this distribution area of Delhi, and which I feel bring a lot of laurels for the Tata Group, and also carries the philosophy of Tata Group in sharing the gains or with the society, with the downtrodden and upliftment of the low-end segment of the society. The story started in 2002 when we took over power distribution in north-northwest part of Delhi, and immediately after the takeover, the thought was that how there was a group which started working on taking care of the socially underprivileged society of our licensed area. We had a huge burden on our head when we started our operation. We had around 52% loss, system loss. From that we started a lot of initiatives to reduce that loss so that the business becomes viable. In around 2009, when we came to around 15% loss, we reduced the loss level to 15% in 7 years journey. We found that we are getting stuck at a particular level because there was a huge amount of loss taking place in our JJ clusters, because the people of that
of the clusters of this part of the society where traditionally very deprived and economically they are very in a quite a poor state, and there was a tendency of stealing of electricity and or not paying for the electricity that is for the bills that are being prepared against the electricity consumption. At that time, we came up with this idea, innovative approach of forming a group called Special Consumer Group, who specifically keeps attention on this particular segment of customer. Somebody is to ask me what is the key success factor of this SCG model. I'll say it is winning the heart of consumer. And winning the heart doesn't come easy. For that, we keep on visiting the clusters and talk to consumers and try to know whether they are getting electricity on 24/7 basis and of good quality. And then we also say ensure that they get the bills in time and the correct bills. Then we go to whether they are having the good access to the payment of bill avenues and they do not face any issues with respect to that. And our team leaders from the SCG team, like Parneet here, you keep on visiting almost every day. All in all, I would say this is a very, very powerful program. Every year, 20,000 women get integrated through this program. And over a period of time, nearly 3 lakh women and children have got integrated. And the initiative that we have taken under the Special Consumer Group has improved tremendously because the revenues have increased, the theft of electricity has reduced, the collection efficiency has improved, and there is a general feeling of well-being amongst the consumers and a general good optics for Tata Power Delhi Distribution. So I am very privileged to be part of this program, and I feel that this will go a long way in identifying the company with the consumers to whom we serve. मेरा नाम मंजू है. मैं C4 केशव प्रो लारस रोड में रहती हूँ, झुग्गियों में. यहाँ की मैं आभा हूँ. यहाँ हमारा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलता है. इसमें टाटा पावर कंपनी वालों ने हम सबको सुविधाएँ दी हैं, काम दिए हैं. इसमें 30 लेट से आती हैं, उनको हम पढ़ाते हैं. उनको जो कुछ कमी होती है वो हमको बताती हैं, उसको हम आगे तक पहुँचाते हैं. बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए जो भी समाधान होता है टाटा पावर कंपनी से बात करके उनकी समस्या को हम ख़त्म करते हैं. यहाँ पर हमको बिल बांटने के लिए मिलता है. जिनके पास बिजली की समस्याएं रहती हैं वो अपनी बिजली की समस्या बताते हैं, तो उनकी समस्या को हम हल करने के लिए कंप्लेन करके उनकी समस्या को हल कर देते हैं.